आज मैं आपको सूजी की एक नई रेसिपी बनाना बताऊंगी। अगर आप डाइट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, वेलकम टू माय सोशल किचन। इसको बनाने के लिए एक कप पानी को पैन में डालकर गर्म करेंगे। उबलते हुए पानी में एक कप सूजी, आधा कप दही व एक चम्मच घी ऐड करेंगे। एक साथ मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है और साथ ही किसी भी प्रकार का जंक फूड यूज़ नहीं किया है। ये रेसिपी प्योर होमली रेसिपी है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब सूजी को आटे की तरह गूंथ लेंगे और हम इसके छोटे छोटे सूजी के आपे बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने गोल शेप में आपे बनाए हैं और बीच में एक छेद किया है। इसी शेप में हम सारे सूजी के आपे बना लेंगे। अब कढ़ाई में पानी डालकर गरम करेंगे और इनको 8 से 10 मिनट के लिए भाप में पकाएंगे। सूजी का यूज़ बहुत सी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग हेल्दी माना जाता है। सूजी को वेट लॉस व हेल्दी डाइट के रूप में यूज़ करते हैं, ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम करेंगे। इसमें जीरा, मस्टर्ड सीड्स और हींग डालेंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन को भी भूनेंगे। साथ ही कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च को डाल के फ्राई कर लेंगे और साथ ही कटे हुए टमाटर को भी भून लेंगे। अब इसमें नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर डालकर मसालों को फ्राई कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो इसमें स्टीम किए हुए आपे डालेंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आपे मसालों के साथ मिक्स हो गए हैं तो इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से चला लेंगे। हमारे सूजी के आपे तैयार हैं। अब एक प्लेट में इनको सर्व करते हैं और टमाटो सॉस के साथ इंजॉय करते हैं। ये खाने, बनाने और देखने में ही बहुत मज़ेदार हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।